पूर्ण रूप से शंकाएं निष्पक्ष मतगणना इनकी रहती नहीं हो सकती, जो हमारे जिलाधिकारी ने लिख पर है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रशासन के माध्यम से हमारे जो जाता है जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके ऊपर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया और यहाँ तक संभ्रांत लोगों को थाने में बैठाने का कहा। हाँ, हमने लिख के दिया है यहाँ के जयपुर के जिलाधिकारी के विरोध में लिख के दिया है कि अगर ये रहेंगे तो हमारी मतगणना निष्पक्ष नहीं होगी। भैया तारू महाराज जी कुछ खाली मशीन खाती है ये मशीना तो रात में ले आए थे, लेकिन जब सवेरे कुछ हमारे लोग रहे तो जो दो गाड़ियों में लेकर के आए, तहसीलदार झांसी की गाड़ी थी उसमें मशीन ईवीएम खाली थी, एक और खाली मशीन थी। जब हमारे लोगों ने जो हमारे लोग वहाँ थे मौजूद रोका तो वहाँ ड्राइवर और जो साथ में थे वो गाड़ी छोड़ करके भाग गए। इसके बाद जब हम लोग पहुँचे वहाँ तो जिलाधिकारी महोदय को पर्यवेक्षक महोदय को बुलवाया, मशीनें हमने चेक की और खाली मशीनें थी, तो जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है भरी हुई ईवीएम और बीपी पैड वहाँ रखे हैं तो वहाँ खाली मशीनें रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये जान पूछ के वहाँ गड़बड़ी कराने के फिराक में है तो इसलिए, लेकिन चूंकि हम लोगों ने देख लिया और अगर उन्होंने पहले कर दी, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि परसेंटेज बढ़ गया है, पहले कुछ परसेंटेज आया कुछ परसेंटेज आ रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये रात में कुछ भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो जमा हो रही थी मशीनें उस समय हमारे लोग नहीं थे। कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड देकर जान लीजिए घर से बाहर आने दिया जा रहा है। हमारे जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, उन लोगों को लाल कार्ड दिखा करके दे करके इशू करके और उनको डराया धमका गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब जब मतदान होना है तो मतदान के लिए तो घर से बाहर जाया ही जाएगा। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं दो दिन पहले लाल कार्ड दे दिया गया, तो ये कहीं औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। इससे हम लोगों की संदिग्ध भूमिका लगती है कि ये पहले से ही दबाव में है और जो हमारे मतदाता हैं उन्होंने निर्भीकता पूर्वक क्षेत्रों में मतदान किया है, तो महागठबंधन के पक्ष में बहुत अधिक मतदान हुआ है, इसलिए घबराए हुए हैं और हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कराएंगे। इसलिए हमने निर्वाचन आयोग को लिख दिया है कि जिलाधिकारी ललितपुर को मतगणना से अलग रखा है। ग्राम प्रधानों को नहीं, ग्राम प्रधान हमारे जो ग्राम प्रधानों को है आई है कि ग्राम प्रधानों को अधिकारियों के माध्यम से और डराया धमकाया गया कि अगर आप ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन की पार्टी प्रत्याशी को मतदान करवाया और किया तो आगे समझ लेना कि हम आपके बस के रहेंगे। पोलिंग बहुत बढ़िया हुई है और हमने तो धन्यवाद दिया है यहाँ की जनता को कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ललितपुर में चुनाव हो गया, कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और लेकिन थोड़ी सी इलेक्शन की में जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें ज़रूर व्यवधान आया है, कई जगह वोटिंग रुकी रही दो दो तीन तीन घंटे। एक गांव तो है आलापुर, वहाँ पे वहाँ की एक पोलिंग की मशीन नहीं चल रही थी, 9 बजे दूसरी मशीन आई उसको लगाया वो भी नहीं चली, फिर 10 बजे के आसपास फिर तीसरी मशीन आई जब वहाँ वोटिंग शुरू हो पाई। ऐसी कई जगह हुआ कि मशीनें खराब हुई, लेकिन कुल मिला के ठीक तरीके से हो गया है। वो कुछ लोग थे जिन्होंने बरगला दिया था जनता को और बाद में जब हम लोगों ने प्रशासन को कहा तो वहाँ तहसीलदार महोदय पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे तो लोगों को समझाया तो फिर लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया। देखिए प्रशासन की जो कार्य प्रणाली रही है वो एक दो बातें जरूर आई हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को नोटिस दिया गया, मुझे खुद ही दो दरोगा रात में आए वोटिंग के एक दिन पहले और कहने लगे कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये सब इनके बाद भी जनता ने बहुत ताकत से बड़ी हिम्मत से गठबंधन के प्रत्याशी से